नवंबर 1875 प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली ने लिटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। हम इसी लिटन की कहानी आपको सुनाएंगे जिसने भारत में अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। इसके शासन को हम क्रूर शासनों में से एक मानते हैं। ब्रिटेन फाइल्स में आज बात इसी भारतीय विलेन की। लिटन का शासन काल बहुत गंदा था। जिस समय उसने शासन भार संभाला देश में भयंकर अकाल फैला था। सारा दक्षिण भारत दो वर्षों से 1876 से 1878 तक भयंकर रूप से पीड़ित था। दूसरे वर्ष अकाल मध्य भारत और पंजाब तक फैला। इससे लगभग 50 लाख लोगों का जीवन प्रभावित। सरकार ने अकाल के मुंह से लोगों की जान बचाने के लिए जो उपाय उस वक्त किए वो बेहद निराशाजनक थे। इतिहास के जानकारों का अनुमान है कि सामाजिक डार्विनवाद ने, उसके विश्वास ने भुखमरी का सामना करने वाले भारतीय श्रमिकों के प्रति उसकी और नफरत को बढ़ा दिया। अकाल के ही वक्त वायसराय ने 1877 में दिल्ली में एक अत्यंत शानदार दरबार लगा दिया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। आप समझिए कि जब अकाल था तब यह सब हो रहा था। बाद में उसने जनरल रिचर्ड स्ट्रेची को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और अकाल के कारणों और सहायता के सवाल पर विचार करने के लिए अकाल कमीशन नियुक्त किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक अकाल कोड का उसने निर्माण भी किया जिसमें भविष्य में अकाल का सामना करने के लिए कुछ ठोस सिद्धांत निर्धारित किए गए, लेकिन तब तक सब कुछ लूट चुका था। इतना ही नहीं, वो बहुत कुछ भारत का बर्बाद करता है। क्या करता है? मुक्त व्यापार के नाम पर लॉर्ड लिटन ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अवहेलना करके सूती कपड़ों के आयात पर लगाया गया 5% कर हटा दिया और इस प्रकार भारत के सूती वस्त्र उद्योग का जो है वो विस्तार रुक जाता है। भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी कपास पर शुल्क को भी रद्द करना जो है उसने बड़ी मदद की ब्रिटेन के व्यापारियों की और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को उस वक्त भीषण नुकसान। 1878 में उसने भारतीयों के द्वारा अपने देशी भाषा के पत्रों में सरकार के कार्यों की प्रतिकूल आलोचना को रोकने के लिए, मतलब कि उसके कार्यकाल की जो है आलोचना भी ना हो सके उसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। ये प्रतिक्रियावादी कानून था, इसके तहत उसकी बुराई नहीं हो सकती। लॉर्ड लिटन का भारतीय शस्त्र अधिनियम एक और दमनकारी उपाय बताया जाता है। उसने भारतीयों को हथियार रखने, बेचने या खरीदने के लिए लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता तय की। चलिए ठीक है, कानून बना रहा है, लेकिन अपराधियों को जुर्माना और 7 साल की जेल की सजा भी इसके लिए उसने तय कर दी। इस अधिनियम और नस्ल के आधार पर भारतीयों और अंग्रेजों के खिलाफ इसके भेदभाव से भारतीय क्रोधित थे क्योंकि इसमें जानबूझकर भारतीयों को वो फंसा दिया करते थे और उन्हें 7 साल की कठोर सजा भी हो जाया करती थी। तो कुछ इस तरह का वो क्रूर जो है शासक रहा और उसने भारत में अकाल के वक्त में जो है वो मौज उड़ाई और उसने बड़े बड़े दावतें की और जो दूसरे भी नियम थे उसने इस तरीके से बनाए कि भारतीयों पर अत्याचार किया जा सके, भारतीयों पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। अगली कड़ी में किसी और ब्रिटेन के विलेन की कहानी सुनाएंगे जो भारत पर आकर अत्याचार करके गया। उसकी कहानियों की कड़ी जो है लगातार हम आपको 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।